अस्सलाम वालेकुम बलिगार, खुश आमदीद भाई। आज फिर मैं आया हूँ बंस रोड पे और यहाँ पे आज फिर ट्राई करूँगा मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रीट फूड। और सबसे पहले आता है ये दिल्ली के मशहूर पाकिस्तानी दिल बहार दही बड़े। तो आज दही बड़े पहले खाते हैं और उसके बाद जाके दूसरे डिफरेंट जो है स्ट्रीट फूड ट्राई करते हैं। तो आ जाएं, देखते हैं दही बड़े कैसे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? गर्मी ज़्यादा है क्या? अच्छा, और ठंडक पे बैठे ना, दही बड़े तो ठंडे होते यार। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, सही है। तो कैसा काम जा रहा है आपका माशाल्लाह? हाँ, ये कब से बना रहे हैं आप? कितना अर्सा हो गया जी? 1956 से काम दही बड़े का। 1956 से, मतलब दादा पर दादा से काम है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। चले एक बनाए, हमें भी बना के एक ज़बरदस्त प्लेट खिलाए। और कैसे प्लेट देते हैं? 250 रुपये की प्लेट। 250 रुपये की VVIP करके बनाइएगा। चले भाई, तो आ गए दही बड़े। बड़े फटफट, इंतज़ार करना ही नहीं पड़ा हमें, बैठे और मिल गए दही बड़े। आके टेस्ट करते हैं कैसा मज़ा है इसमें। बेहतरीन जायका है, बड़ा मज़े का। 250 रुपये वसूल हो गए। चले भाई, तो खा लिए दही बड़े बड़ा ही तेज़ी से, क्योंकि मुझे कुछ और भी बनाना है। तो आगे जाके देखते हैं, और बहुत सारे स्ट्रीट फूड है उनको भी आज ट्राई करके देखते हैं, और देखते हैं क्या क्या यहाँ पे। भाई दही बड़े बड़े ही ज़बरदस्त थे, मज़े के, बहुत ही अच्छा जायका था उनका। पहली बार मैंने ट्राई किया है, और अब जा रहा हूँ दूसरी तरफ। और यहाँ पे बहुत सारे ये स्टॉल बने हुए हैं, छोटे छोटे ढाबे बने हुए हैं, इनसे अब देखते हैं इनके पास क्या है। कोई खाने की मज़े की चीज़ होगी तो यहाँ पे भी खाएंगे हम। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या बेच रहे हैं आप? क्या बेच रहे हैं? मटका चाय। मटका चाय, ज़बरदस्त यार, मटका चाय भी मिलती है यहाँ पे। तो चलो, ये चाय तो मैं आपसे आगे पीता हूँ, आगे और कुछ खा पी लूँ आखिर में चाय। और ये भाई ज़बरदस्त तरीके से बच्चा बना रहा है फ्रेंच फ्राइज। एक बना के खिलाएं, कैसे देते हैं? और क्या नाम है इसका? पटाटो। भाई फ्राइज तो वैसे भी खाए हमने, मगर आज ट्राई करेंगे पटाटो स्टिक। ये बनी हुई है, मगर ये पता नहीं कब से बनी हुई है, तो ताज़ी बनेंगे वही खाएंगे। भाई नहीं लड़ो यार, ओ भाई यार, ये क्या, अल्लाह, इसको आओ यार इधर छुड़ाओ भाई इनको यार, थोड़ी सी बात पे लड़ाई इतनी हो रही है। अरे भाई भाई, मेरा प्रोग्राम तो बढ़ गया, ये बनवा रहा था यहाँ पे पटाखो इससे, और ये दोनों बच्चे आपस में छोटी सी बात पे लड़ पड़े। आप साथ में काम कर रहे हैं, मजदूरी करने वाले साथ में काम करें आराम से, प्यार मोहब्बत से, छोटी बात पे लड़ पड़े, एक दूसरे को जो है फोन वोट निकाल लिया। तो मेरा प्रोग्राम बढ़ गया यहाँ से खाने का, अब आगे जाके कुछ और देखता हूँ। अरे भाई, मुझे खानी है पटाटो स्टिक, पहली बार देखी है मैंने, तो मैंने कहा आज खा लेते हैं, मगर बच्चे लड़ पड़े और उनको मैं छोड़ के आ गया। तो अब यहाँ वहाँ कहीं और पटाटो स्टिक वाला नज़र भी नहीं आ रहा, तो फिर दोबारा जा रहा हूँ मैं उन्हीं के पास, और हो सकता है वो अब सही हो गए हो, तो जाके उनसे अब दोबारा
पटाटो स्टिक बनवा लेता हूँ। भाई आ तो गया हूँ यहाँ पे, मगर यहाँ पे लड़के ने चिया ही बंद कर दिया, लगता है भाई ने उसको भगा दिया। हाँ लड़के, तुमने उसको पिटाई करके भगा दिया यार, तुमने उसके ऐसे फटके मारे दो तीन यार, बच्चा था छोटा बच्चा थोड़ी था यार। लड़ते नहीं यार, भाइयों को बता रहा था इस बेचारे ने, जो है ना उसको बोला था गाली वाली नहीं दे, मगर वो लड़का गालियां दे रहा था। वो लड़का पहले से ही तपा हुआ था, सेठ के ऊपर फ़ोन किया जा रहा था कि ये मशीन है कर मार रही है, तो इसको आके देख ले। और ऊपर से वो दरवाजे का मसला बना, इसने कहा इधर दरवाज़ा हटा, उसने कहा नहीं हटाऊंगा, और उसने गाली दी इसको। हाँ तो इस भाई ने दो तीन उसको लगा दिया बार। अच्छा भाई, पटाटो स्टिक खाने से तो रहे, आपके पास क्या है? और बर्गर वर्गर नहीं खाने? अरे जो छोटी मोटी चीज़, ये क्या है, ये आपके आप कुल्फी दे रहे हो क्या दे रहे हो? तो भाई इनसे हम खाएंगे कॉर्न पॉप, छोटे छोटे चीज़ें बने हुए हैं, अलग अलग चीज़ें इन्होंने रखी हुई है, तो कॉर्न पॉप खा के चेक करते हैं। ये भाई बनने जा रहा है कॉर्न पॉप। ये मोरेला चीज़ है, ये चिकन फोर्टी चीज़ है, और ये होममेड हमारा मैदे की पोटी नहीं अब तक चलेगी। ये ग्रेट गर्म है, हो गया अब तवे में रख। ये हो गया भाई फ्राई, तो भाई ये हो गया कॉर्न पॉप, और इसको कॉर्न डॉग भी बोलते हैं, और तैयार हो गया, अब चल के हम टेबल पे बैठ के खाएंगे। तो भाई खाएंगे कॉर्न डॉग, ये कॉर्न डॉग। बहुत ही स्पाइसी है यार, खट्टा ज़्यादा है। स्ट्रीट फूड में ये नई डिश है, हर जगह नहीं मिलती, मगर बंस रोड पे ये बनाई जा रही है, और ये बाहर की डिश है। तो भाई ये खा लिया कॉर्न डॉग, बहुत ही स्पाइसी था, और मैं स्पाइसी कम खाता हूँ, तो अब जाके कुछ मीठा ठंडा खा लूँ, और भूख ही लगी पड़ी है मेरे। तो भाई यहाँ पे आ गए, ठंडा और मीठा दिलशाद मटका कुल्फी खाएँगे, स्पाइसी खा के मुँह जो है ना उसका हालत ख़राब हो गई है, गर्म गर्म हो गया। तो चाचा एक मटका कुल्फी खिलाएं, और कैसी होती है? बेहतरीन, चले खा के देखते हैं। देखिए लास्ट बची है आपकी, फ्रिज भरा होता है, भरा होता है अभी, और ये लास्ट है, बिल्कुल आप आखिर में उठा रहे हैं। ये क्या है? कुल्फी फालूदा। और ये रबड़ी फालूदा। रबड़ी फालूदा, और ये भाई ये मटका कुल्फी, मेरे ख्याल से रबड़ी से बनी हुई है, रबड़ी को डाल के फ्रिज में रख दिया था, बिल्कुल जमी हुई है, और बहुत ही मीठी मज़े की कुल्फी बनी हुई है भाई। तो बंस रोड पे बहुत सारे रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड है, जो बंदा खा ही नहीं सकता एक दिन में, और मुझे बहुत सारी वीडियो यहाँ पे आके बनानी होगी कभी कभी आके। तो आज का व्लॉग हो गया पूरा, और फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।